हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी मंडराल गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हरि उत्तर नवोदय पर। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी। बट रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहती हूँ जो लोग किसी रेस का हिस्सा बनने से पहले ही हार मान लेते हैं। मीन्स कि हम लेट हो चुके हैं, अब हम नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे बढ़ते हुए वजन के कारण लोग अपनी एक्सरसाइज, अपने डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे लिए नहीं है, हम बहुत फैल चुके हैं, अब हमारे बस का कुछ नहीं है, हम में दुनिया भर की बीमारी है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो गाइज, उन्हीं लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ भारती सिंह का। लाफ्टर क्वीन भारती सिंह किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। देश का हर शख्स भारती सिंह को अच्छे से जानता है और पहचानता है। बट आजकल भारती सिंह सोशल मीडिया साइट पर छाई हुई है, एकदम धमाका कर रखा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपना वेट 91 केजी से 76 केजी किया है। इट मींस 15 किलो के करीब भारती सिंह ने अपना वजन घटाया है। गाइज, हम हर कोई सोचते हैं कि ये बंदा हमें हंसाता है और इतनी कॉमेडी करता है, शायद इसमें ऐसे कोई दुख नहीं होंगे, जबकि उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है अपने एक इंटरव्यू के दौरान कि वो खुद अस्थमा और डायबिटीज जैसी रोगों की मरीज थी। तो गाइस, अगर भारती सिंह जैसी लेडी इतना बड़ा कदम ले सकती है तो आप क्यों नहीं ले सकते? अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भारती सिंह से सीख सकते हैं कि अगर इंसान चाहे, अगर इंसान ठान ले, आत्मशक्ति लगा दे अपनी, तो सब कुछ कर सकता है। गाइस, इसी तरीके से मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे स्पेशली थैंक यू बोला है और मेरे साथ अपनी एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जो कि मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप सुनिए उन्हीं की जुबानी ये बातें। हाय दोस्तों, मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है और मैंने हरि उत्तर नवोदय चैनल में रजनी मैम को देखा और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जो उनकी फैट काटने वाली डाइट्स हैं, ठीक है, उनकी ड्रिंक्स हैं, उनको मैंने काफ़ी फॉलो किया और मैंने 20 से 30 दिनों में अपना 80 किलो से 73 किलो केजी पे मैं आ चुका हूँ। और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें जागरूक किया। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मैम की वीडियो को देखें, उनको फॉलो करें, उनके डाइट्स को ध्यान से लें, ताकि आप भी मेरी तरह उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच शर्मा जी। एक्चुअली इसका पूरा थैंक यू आप ही को जाता है, क्योंकि आपने ये करने का सोचा, आपने मुझे फॉलो किया। मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको गाइड किया है। आपने अपनी आत्मशक्ति का सहारा लिया, अपने आप को अंदर से मजबूत किया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपने अपने आप पे ट्रस्ट किया और मेरे डाइट प्लान को फॉलो किया, मेरे फैट कटर ड्रिंक्स को फॉलो किया, उसी का रिजल्ट आपको मिला है। तो गाइज, देखा आपने, शर्मा जी की तरह आप भी अपना वजन इतनी तेजी से घटा सकते हैं जितना कि शर्मा जी आपको बता रहे हैं। गाइज, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ, एक रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन अंदर से प्रिपेयर होना आपका खुद का काम है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ और अपनी पहली वीडियो से लेके अभी तक मैं आपको यही बात बोल रही हूँ कि आप अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए और अपने आप पे वर्क करना शुरू कीजिए। तो गाइज, इसी बात पे अगर मैं भारती सिंह की बात दोबारा जोड़ूं, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्होंने इतना वजन कैसे घटाया है। आप चाहे तो उनकी तरह आप भी अपना वजन घटा सकते हैं इंटरमीटेंट फास्टिंग को अपनाकर। गाइज, इंटरमीटेंट फास्टिंग एक तरीके का उपवास होता है, व्रत होता है, या एक टाइप का रमजान वाला रोजा होता है। बट इसमें क्या होता है कि आप एक दिन को दो भागों में बांट सकते हो, एक में आपने खाना है और एक में आपने व्रत रखना है, फास्ट रखना है। एक को ईटिंग विंडो बोला जाता है और दूसरे को फास्टिंग विंडो बोला जाता है। खाने का जो समय होता है वो कम टाइम के लिए होता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपना मनपसंद फूड खा सकते हो।
और जो फास्टिंग का समय होता है वो बहुत लंबा होता है, लेकिन ये एक वजन घटाने का बहुत सरल तरीका है, आप भी कर सकते हो। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें आपने कम से कम 7 से 8 घंटे अपने खाने के रखने हैं और 16-17 घंटे आपने फास्टिंग के रखने हैं। जिस दौरान आप फास्टिंग रख रहे हो तो वो उसमें सिर्फ आप पानी पी सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपने नाइट में 8 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर लिया है और उसके बाद आपने अपनी किचन की शटर को बंद कर देना है और साथ में मुंह को भी बंद कर देना है, उसके बाद आपने अगले दिन के 12 बजे तक सिर्फ पानी पीना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं लेना है। वैसे गाइस देखा जाए तो आधे से ज्यादा घंटे सोते सोते निकल जाते हैं, इसीलिए लोग इस फास्टिंग को सबसे सरल तरीका मानते हैं वेट घटाने का। आप चाहे तो आप भी ये कर सकते हो, अदरवाइज जो प्लान, जो डाइट प्लान, जो फैट कटर ड्रिंक, जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप उन्हें अपनाकर और भी अच्छे तरीके से अपने वजन को घटा सकते हो। अगर आपको मुझ पे विश्वास हो, अपने आप पे विश्वास हो, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपकी, जैसे शर्मा जी ने अपना वजन घटाया है ऐसे ही आप भी घटा सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं मेरी किचन में और बनाते हैं इस फैट कटर ड्रिंक को। तो चलिए गाइज अब स्टार्ट करते हैं अपनी फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी को प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले चाहिए ये सारे इन्ग्रीडियंट्स। ये है आपका काली मिर्च, काली मिर्च आप साबुत भी ले सकते हो जैसे मैंने ली है, या आप उसे कूट के भी ले सकते हो। ये है 7 से 8 काली मिर्च। और गाइज आपको चाहिए लेमन ऐसे कटा हुआ छिलका समेत, आपने इस साइज का एक लेमन ले लेना है जैसे मैंने लिया है। मैं पहले ही काट चुकी हूँ तो मैंने ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था आपको शो करने के लिए। और अब आपको चाहिए अदरक, अदरक भी आप इतना टुकड़ा अदरक का लेंगे और इस तरीके से अदरक को क्रश कर लेंगे, कूट लेंगे इस तरीके से, और इतना अदरक आपको चाहिए। साथ में आपको चाहिए 1 कप पानी, तो इस पानी को हम पैन में डाल देंगे। गैस मैंने पहले ही ऑन करके रखी हुई है, तो 1 कप पानी को पैन में मिलाते हैं। काली मिर्च डाल देंगे, लेमन इंक्लूड कर देंगे और जिंजर डाल देंगे। आज को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखते हैं। अब इसको एक अच्छा बॉईल दे देंगे और जब तक कि इन सारी चीजों की क्वालिटी है जो इस पानी में ना आ जाए तब तक इसको बॉईल करेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट आप इसको बॉईल कीजिए। तो गाइस अब आप देख सकते हो इस पानी का कलर चेंज हो गया है, जितना भी इन इंग्रेडिएंट्स की जो अच्छी क्वालिटी थी वो सब इस वाटर में आ चुकी है। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को और इसे छान लेते हैं। छान लेंगे, ये देखिए गाइस ये पानी आपका कुछ इस कलर में हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें चुटकी भर, बस इतना जितना मैंने लिया है, 1 पिंच के करीब दालचीनी का पाउडर लेना है। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर नहीं है तो या तो आप स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप इस ड्रिंक को और बेटर बनाना चाहते हो और दालचीनी का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि एक दालचीनी की स्टिक लेके जब आपने बाकी के इंग्रेडिएंट उसमें डाले हैं, पॉट में डाले हैं गरम करने के लिए, उबालने के लिए, उसी टाइम आप एक दालचीनी का जो स्टिक है वो लेके डाल सकते हो। तो उससे भी आपको इतना ही फायदा मिलेगा जितना कि मैं पाउडर को ऊपर से, मेरे पास पाउडर पड़ा था तो इसलिए मैंने उसको ऊपर से डाल दिया। ये कोई जरूरी नहीं कि उसको हम बॉइल कर दें। तो गाइज ये ड्रिंक बिल्कुल रेडी है आपके पीने के लिए। अब आपने इसको थोड़ा सा तेज गरम पीना है, हल्का गुनगुना आप चाहे तो पी सकते हो, वैसे तेज गरम पियोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बैठ के पीना है, सिप सिप करके पीना है, कभी भी पानी को खड़े होके नहीं पीते हैं और ऐसी ड्रिंक को तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं ऐसे खड़े होके, तो हमेशा बैठ के पीजिएगा। और आपने सुबह खाली पेट पीना है इस पानी को। गाइज ये ड्रिंक आपको देखने में कॉमन लग रही होगी लेकिन ये कॉमन नहीं है,
आप इसको पिएंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी की चर्बी कब मोम की तरह पिघल गई है बैठे बैठे। बहुत इफेक्टिव ड्रिंक है, तो जरूर ट्राई कीजिए इसे। तो कैसी लगी गाइस आपको ये फैट कटर ड्रिंक की रेसिपी? मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। और एक बात और गाइस, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रखने की सोच रहे हैं या नॉर्मली भी आप कोई फास्ट रखते हैं, तो मेरी आपको एक सलाह है, आप अगले दिन जब अपना फास्ट तोड़ें तो अपना पहला जो मील है वो फ्रूट को रखें, क्योंकि इससे आपका जो इंसुलिन का लेवल है वो एकदम से स्पाइक नहीं होता। तो हैवी मील आपको नहीं खाना चाहिए एकदम फास्टिंग के बाद, और उसके बाद आप 1.5-2 घंटे बाद अपना हैवी मील ले सकते हो। गाइज ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे पहुंचे आप तक। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूबसूरत रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।